उनको बकेट सीट्स में कन्वर्ट किया जाएगा पूरी। कुछ फिटिंग की जाती है इसको, ड्रिल करके इसको बम्पर में फिट कर दिया जाता है। जो फ्रेमिंग है वो कुछ इस तरीके से, आप इसका लाइट देखिए, ये इजीली रिमूवेबल भी है। बूट स्पेस है वो पूरा कवर हो जाता है बेसिकली इसके अंदर, अगर आप बेस्ट तो ये आपकी जब भी आप इंडिकेटर देंगे तो। सो गाइज, ये वैगनार 2021 ये अभी बस निकली है शोरूम से 3-4 दिन पहले, तो आज इसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। वो मॉडिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होने वाला है इस कार पे। तो भैया बताऊँगा मॉडिफिकेशन क्या क्या हो रहा है। एक है इसमें सीट कवर, रिफ्लेक्टर, स्पीकर, बैक लाइट क्रोम, मड फ्लैप, साइड बीडिंग, डोर वाइजर, फ्लोरिंग, स्टेयरिंग कवर सिस्टम, कपलर, स्पीकर, टोक लैम्प, सेंटर लॉक, अंडर क्रोम, कैमरा इसमें HD है, व्हील कैप है, मैट है, और उसके बाद स्पीकर है, स्पीकर कपलर है, बेस ट्यूब है, वायरिंग किट है, वायरिंग रिले है, और इसमें रिंग है, और साथ में रूफ रेल है। स्पॉइलर रूफ रेल इसमें लगने वाली है जो आपको दिखाऊंगा। स्पॉइलर रूफ रेल, स्पॉइलर रूफ रेल वो सबसे ज़्यादा हटके वो लुक इसे देने वाली है। ठीक है, ठीक है ना, तो दिखाइए, दिखाते हैं आपको। चलो आगे की, चलिए अब आगे की तरफ दिखाते हैं क्या क्या काम हो रहा है इस कार में। तो गाइस यहाँ पे देखिए अभी पूरा फ्लोरिंग का काम होने वाला है। जब वो कंप्लीट होने लगेगा, जब हो जाएगा तो मैं पूरा चेकआउट कराऊंगा आपको वो वाला काम। और यहाँ पे अभी देखिए आप, ये स्मार्ट सोनिक की लगी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी स्टेयरिंग को रैप किया जाएगा विद ब्लैक स्टिचिंग होगा। और जितनी भी सीट्स हैं उनको बकेट सीट्स में कन्वर्ट किया जाएगा, पूरी कवरिंग होएगी। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोरिंग होएगी, फ्लोरिंग के अलावा 5D मैट्स लगेंगे इसमें। अभी लुक देख सकते हैं, इसके बाद पूरी जब कंप्लीट फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद मैं पूरा चेकआउट कराऊंगा आपको कि किस तरीके की लुक आने वाली है। सो ये अभी लेटेस्ट 2021 की वैगनार है। अभी 3 से 4 दिन पहले ही ये शोरूम से निकली है और आज ये पूरी कंप्लीट, आप उधर देख सकते हैं सेंटर लॉकिंग का भी काम इसमें चल रहा है। सो यहाँ पे RD की सेंटर लॉकिंग इसमें लग रही है। तो कंप्लीट यहाँ पे कपलर टू कपलर काम होता है, कोई भी वायर यहाँ पे कट नहीं होगी, सीधे बैटरी से वायर लेके इसमें पूरा काम किया जा रहा है। गाइस यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो आप देख रहे हो इसकी जगह अभी LED लाइट्स लगेंगी यहाँ पे। तो मैं पूरा चेकआउट कराऊंगा जब ये लग जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगा ये। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी स्टेयरिंग रैप हो रहा है और वहाँ पे टच स्क्रीन लग चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पे टच स्क्रीन लग चुकी है। सो देखिए यहाँ पे अभी इसको लगाया जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए ये फ्लोरिंग कुछ इस तरीके से लगाई जा रही है, इस पर वल्कन टेप से ये सीधे जो कार का कारपेट है उससे चिपका दी जाती है इस तरीके से। तो ये इजीली रिमूवेबल भी है और इजीली क्लीन भी हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी। जो कंपनी कारपेट है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है जो इस पर नहीं आएगी। कारपेट पर कुछ गिर जाता है, कोई लिक्विड गिर जाता है, खाना गिर जाता है, इजीली आप हटा सकते हैं, साफ कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखिए फॉग लैंप भी लग चुके हैं इस कार में। सो उसके जो फ्रेमिंग है वो कुछ इस तरीके से, आप इसका लाइट देखिए, जो इसका लक्स आ रहा है वो काफ़ी सही दिख रहा है। अब यहाँ रीडिंग तो मैं आपको दे नहीं सकता, बट जो थ्रो है लाइट का वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हील कवर्स लग चुके हैं और ये देखिए साइड बीडिंग भी लग चुकी है। तो सारे व्हील कवर्स लग चुके हैं, साइड बीडिंग लग चुकी है। और यहाँ पर सो गाइस ऐसा कोई भी काम आप करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। स्पीकर्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है, साइड बीडिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लगाई गई है। ये देखिए रिफ्लेक्टर को हटा के इस तरीके की LED लाइट लगाई गई है, तो ये आपकी जब भी आप इंडिकेटर देंगे तो फ्लोटिंग वे में ये इंडिकेट करेगी, जब भी आप रिवर्स करेंगे तब ये इस तरीके से ब्लिंक करना शुरू कर देगी, और जब हज़ार लाइट जलाएंगे उसके साथ भी ये जलना शुरू हो जाएगी। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस ट्यूब का काम किया गया है, तो यहाँ पे जो जितना भी बूट स्पेस है वो पूरा कवर हो जाता है बेसिकली इसके अंदर, अगर आप बेस ट्यूब का काम करवाते हैं, बट साउंड बहुत अच्छा आता है उसके बाद। पूरी वायरिंग की राउटिंग दी गई है, तो यहाँ पे देखिए CNG के साथ इसको यहाँ पे फिट कर दिया गया है, तो काफ़ी सही सफाई से काम किया हुआ है यहाँ पे। और इसके अलावा जो आप देख सकते हैं ये लाइट भी चेंज करी गई है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये लाइट भी आपको मिल जाएगी इसमें, और इसके अलावा टेल में इस तरीके की रिफ्लेक्टर को हटा के लाइट का ऑप्शन दिया गया है दोनों तरफ। यहाँ पे भी ये देखिए आप, जो कि बहुत प्यारी लग रही है इस पर। इसके अलावा यहाँ पे हैंडल पे क्रोम गार्निश दी गई है, इनको क्रोम कर दिया गया है। और इसके अलावा
यहाँ पे रूफ रेल्स भी दिए गए हैं जो भी काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी दिख रही है यहाँ पे, और स्पॉयलर भी इस कार में लगाया गया है। सो गाइस, अब आप इसकी लुक देखिए, ये बिल्कुल ऐसी लग रही है। अगर रूफ से बात करी जाए, इस लुक से बात करी जाए, तो पुरानी वैगनार जो आती थी रूफ रेल्स के साथ स्पॉयलर लगने के बाद लगती थी, बिल्कुल वैसी ही लग रही है। अंदर से आप काम देख सकते हैं, टच स्क्रीन लग चुकी है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी सारे काम कर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट फिनिश पे हैं। यहाँ पे डोर वाइजर लग चुके हैं। सो यहाँ पे देखिए डोर वाइजर्स भी लगाए गए हैं, तब भी कोई बारिश हो कुछ भी हो तो पानी अंदर आने के चांसेस नहीं रहते अगर आप इनको लगवा लेते हैं। यहाँ पे आप फोग लैम्प का थ्रो देख सकते हैं कितना बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, इंटीरियर रिलेटेड, एक्सटीरियर रिलेटेड कुछ भी काम करवाना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे होता है। हेडलाइट में कोई चेंज कराना है, फॉग लैम्प, DRLs, किसी भी तरीके का काम आप यहाँ पे आके करवा सकते हैं। सो गाइज, यहाँ पे देखिए मड गार्ड भी लगे हुए हैं, इन्होंने कंपनी से ना लगवा के ये बाहर से मड गार्ड लगवाए। यहाँ पे ये HD रियर कैमरा लगाया गया, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरीके से कुछ फिटिंग की जाती है, इसको ड्रिल करके इसको बम्पर में फिट कर दिया जाता है। सो गाइज, इस चैनल पे आपको मिलती है ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट, ऑटो से रिलेटेड, एक्सेसरी से रिलेटेड, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, रिव्यूज, कंपैरिजन और टेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो गाइज, अगर चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। सो इसी के साथ विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।